हाय, आज का टॉपिक है एमएलएम स्कैम्स और नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम्स। बहुत सारे स्कैम्स पर्टिकुलरली अभी आज भी दो तीन महीने में बहुत सारे न्यूज चैनल में देखा कि बहुत सारे स्कैम्स है पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग एंड बहुत सारे क्लोज 70 लोग ऑलमोस्ट क्लोज 70 पीपल बीन अरेस्टेड इन आंध्रा। मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो शेयर क्रिएट करूँ सो दैट एमएलएम के बारे में क्या लीगल है क्या इलीगल है ओके और क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड एमएलएम में एमएलएम स्कैम्स में जाने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहाँ से शुरू किया था, कैसे शुरू हुआ था ओके उससे पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे है, लाइक नो फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर है ओके एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक रुपये का उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो वो क्या करता है उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ओके डिस्ट्रीब्यूटर्स एरिया डिस्ट्रीब्यूटर्स से मीन ऐसे ऐसे करके लास्ट में रिटेलर्स पे आता है, रिटेलर्स के बाद कंज्यूमर को रीच करता है। अगेन एक मिडिल मैन जो होता है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द मनी पैसा उसमें चला जाता है तो एक रुपए का प्रोडक्ट इधर 10 रुपए बढ़ जाता है, कंज्यूमर जैसे जैसे कंज्यूमर के पास पहुंचता है इट बिकम्स क्लोज टू 10 रुपीज ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर्स ने क्या सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्टली कंज्यूमर को रीच आउट करेंगे बिकॉज कंज्यूमर बेनिफिट नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चर बेनिफिट नहीं हो रहा ओके एक रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपए में देना पड़ता है ओके खरीदना पड़ता है उसको। तो ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स पहले एक सिस्टम आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम आ गया। तो इसमें क्या है, एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को रीच कर रहा है एंड वो कंज्यूमर्स को बोलता है कि जैसे आपको 9 रुपीज का जो एक रुपए का प्रोडक्ट 9 रुपीज का एक हमारा जो मार्जिन है वो 9 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे व्हेन यू स्टार्ट रिकमेंडिंग टू योर कंज्यूमर्स ओके। तो जैसे जैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट इज लाइक नो वो नेटवर्क करेगा ओके दे शेयर दिस द 9 रुपीज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये एक्चुअली एक लीगल सिस्टम है ओके इलीगल नहीं है बट इसमें क्या होता है ये सिस्टम को कुछ लोगों ने क्या किया उसी को अडॉप्ट करके सेम जो चैनल को अडॉप्ट करके सिस्टम को लेके तो वो कुछ इलीगल बिजनेस ऑपरेट करना शुरू कर लिया। लाइक फॉर एग्जांपल पहला स्कैम जो बोलता हूं ना इट्स कॉल्ड अ पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पिरामिड जैसे होता है, वेरी रिसेंटली मेरा एक लड़का मुझे फोन करके मुझे बोल रहा कि एक जबरदस्त कंपनी है ओके जबरदस्त कंपनी है और सिर्फ $20 का इन्वेस्टमेंट है एंड कंप्लीटली ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस है और आपको कुछ भी नहीं करना है ओके इट्स ऑटो फिलिंग एंड पिरामिड जैसे ना एक ओके एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16 के बाद 32 ओके ऐसे पिरामिड आ जाएगा ओके एंड जैसे वो 32 फिलअप हो गया यू गो टू नेक्स्ट पिरामिड, आफ्टर दैट यू गो टू नेक्स्ट पिरामिड, जस्ट फोर्थ और फिफ्थ पिरामिड यू विल मेक क्रोस ऑफ रुपीस तो मैंने पूछने लगा कि ये आपको जो $30 में क्लोज 2000 रुपीज को क्या मिलता है, अरे 2000 रुपीज तो कुछ भी नहीं है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा। मैं हंसने लगा और बोला ये स्कैम है, लिटरली ये स्कैम है। मगर मैक्सिमम लोग क्या करता है बोलता है कि ओके 1 × 32 2000 रुपीज कितना हो गया, 30 तो ज्यादा नहीं है ठीक है पूरा के पूरा पैसा कर सकेंगे दे कैन एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट पेमेंट। क्या होता है ना इट इज कंप्लीटली इलीगल एंड और एक शॉकिंग थिंग इज लाइक नो यू आर डूइंग इट ऑनलाइन मतलब इंटरनेशनल पे कर रहे हैं एंड उसमें क्या होता है कि आवर मनी इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, इंडिया का पैसा बाहर चला जाता है फॉर नथिंग। सो बी केयरफुल, प्लीज डोंट प्रमोट दिस क्योंकि ये कंपनीज आज नहीं है, कम से कम 20 साल के ऊपर से ऐसे कंपनीज चल रहा है एंड दे आर इलीगल। अगेन इंडिया में एक लॉ है प्राइस चिप्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट सेक्शन 4 ऑफ 1978 एक लॉ है ओके सो बेस्ड ऑन दैट लॉ दिस इज इलीगल। और एक बिजनेस है और एक स्कैम जो बोलता हूँ ना बोलता है मंथली रिटर्न्स मिलता है, मंथली रिटर्न्स ओके कोई प्रोडक्ट नहीं है मतलब आपको प्रोडक्ट नहीं करना, आपको रेकमेंड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको रेकमेंड करने से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं तो भी आपको 20% हर महीने मिलेगा जो मिनिमम ओके कुछ लोग 30 भी बोलता है, कुछ लोग 10 भी बोलता है, मैं जो एवरेज 20% ओके। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई इन्वेस्ट 1 lakh rupees अगर मैं मान लीजिए मैं 1 lakh rupees इन्वेस्ट करता हूं मुझे हर महीने 20,000 rupees मिलेगा, अच्छा है ना बैंक में भी इतना नहीं मिलेगा। तो क्या बोलता है क्या करता है पब्लिक ओके फाइन तो 1 lakh rupees इन्वेस्ट करता है तो उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट महीने मिल गया, सेकंड महीने मिल गया, थर्ड महीने मिलता है एंड बोलता है पांचों महीने में मेरा 5 पैसा वापस आएगा, उसके बाद जो भी आ रहा है प्रॉफिट है तो चुप नहीं रहेगा, वो क्या करेगा दोस्तों को बोलेगा तो 200 लोग डालने लगेगा तो उसमें से उसको कुछ कमीशन मिल रहा है एंड वैसे वैसे क्या करता है
जो भी जो 1 लाख रुपए उसको मिल गया ना 5 महीने के बाद, वो भी नहीं पॉकेट में रखेगा, घर में नहीं रखेगा, अगेन जाकर इन्वेस्ट करेगा। ये कंपनीज मैक्सिमम 6 months to 1 year तक चलेगा, उसके बाद पूरा की पूरा पैसा लेकर भाग जाता है। एंड विक्टिम कौन बने हैं? जो रेकमेंड किया वो बन जाता है विक्टिम, क्योंकि ये लोग इसमें क्या इन्वेस्ट करता है, सम कुछ लोग बोलता है कि नेक में क्रेडिट कार्ड से पैसे लूंगा, मतलब कुछ लोग उनका मकान बेच देता है, मीन गिरवी पे रख के उसका जो पैसा लेकर कर देता है। तो ये बहुत बहुत डेंजरस है, बी वेरी 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 केयरफुल। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग क्या बोलता है, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, हम एक्चुअली शेयर ट्रेडिंग में करेंगे, तो उससे हमको रिटर्न कर रहा है, रिटर्न मिल रहा है, एंड उस रिटर्न को हम शेयर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बिजनेस में बिना अप्स एंड डाउन का नहीं होता है, एंड नो बडी कैन अश्योर 100% सेम रिटर्न एवरी सिंगल मंथ। ओके, वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो लोग उसको ऑपरेट करते हैं वो लोग इंडिया में नहीं रहते, वो लोग उस कंट्री में नहीं रहते, वो लोग बाहर रहते हैं, एंड दे रन अवे, फंसेगा आप ही लोग। ओके, जो उसको प्रमोट करता है। थर्ड, हाइप, कंप्लीटली एक हाइप बिजनेस, मतलब एक प्रोडक्ट का वर्थ ओनली 10,000 रुपए रहेगा, मगर वो बेचता है कितने में, 1 लाख रुपए में, वो बोलता है 90,000 कुछ भी नहीं है, मीन 30,000 तो कुछ भी नहीं है, सॉरी 90,000 इज प्योरली फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऐसे बोलता है, एंड बड़ा बड़ा चेक्स दिखाता है, लेकिन करोड़ों का रुपये का चेक दिखाता है, बोलता है ये 1 साल में इतना कमा लिया, 2 साल में इतना कमा लिया, और बड़ा बड़ा मीन होटल्स में प्रोग्राम कंडक्ट करता है। ओके, एंड बहुत सारे लोग क्या करता है कि दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन टू दिस ऑल्सो, थिंकिंग दैट वो भी एक दिन अमीर बन जाएगा। प्योरली ग्रीडीनेस। एंड अभी रिसेंटली जैसे मैंने बोला, आंध्रा में मोर देन 70 people have been arrested। ये लोग कौन था? ये लोग ऑर्डनरी पीपल है। ओके, ऑर्डनरी पीपल वर्किंग फॉर सम कंपनीज। उन्होंने क्या सोचा कि यार 1 लाख रुपए डाला में इतना मिलेगा, 2 लाख रुपए डाला से इतना मिलेगा, 3 लाख रुपए डाला से इतना मिलेगा, 5 लाख डाला से, तो दे बिकेम ए ट्रैप इन वो पीपल अरेस्टेड। उसमें एक आदमी सुसाइड कर लिया, शॉकिंग। जैसे बार बार बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली ये स्कैम्स जो है मोर देन 20 years से स्कैम्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, ये स्कैम्स है, सो बी केयरफुल टू आइडेंटिफाई द स्कैम्स। ओके, जैसे मैंने बोला ये स्कैम्स नया नहीं है, स्कैम्स पुराना, बहुत पुराना। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2002 में एक कंपनी आया था जापान, लाइक बेड, दे वर सेलिंग सम बेड्स, ओके, मैग्नेटिक बेड्स, तो उसका कॉस्ट था 1 लाख रुपीज और 1.5 लाख समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड 6 महीने 1 साल तक रहा बस, उसके बाद अगेन वो भी भाग गया, एंड बहुत सारे लोग उसमें भी डूबा। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज आज भी है, ओके, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर कमिंग इन सो मेनी स्कीम्स, बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि एंड में यू बिकम अ विक्टिम। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम अ बिजनेस कोच, ओके, आई एम अ बिजनेस कोच एंड आई गॉट मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, आई बीन सीइंग इंडस्ट्रीज। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है एंड इफ यू आर कन्फ्यूज्ड, ये गलत है या सही है, या मैं फंस गया, और या इवन आई एम ऑलरेडी डूइंग वेरी लीगल बिजनेस, बट मुझे बिजनेस उसको आगे तक मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग इन समवेयर, ओके, इन सेल्स में और कन्विंसिंग में, यस आई एम अ कोच, सो आई ट्रेन यू ऑन दैट एरियाज ऑल्सो। एंड अगर आपको कुछ डाउट है किसी कंपनी के बारे में, यू वांट सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मी, प्लीज आई विल बी देयर टू हेल्प यू, मेरा नंबर इधर फ्लैश हो रहा है, एंड ये प्रोग्राम कंप्लीटली ऑनलाइन है, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहिए, यू कैन रीच मी आउट। अगर आप YouTube चैनल पहली बार आ रहे हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना, एंड बगल में बगल वाला बेल सिंबल क्लिक करना, सो दैट आपको कॉन्स्टेंट अपडेट्स मिलेगा। एंड अगर आप Facebook लाइव प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हो तो मेरा Facebook लाइव प्रोग्राम्स रेगुलरली आना, एंड ये वीडियोस बहुत लोगों को शेयर करना, एटलीस्ट वी कैन सेव पीपल बिकमिंग ए ट्रैप ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस। अगेन विल्फ्रेड स्टैनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम रैपिड माइंड पावर, बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।